नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, अगर आप चलती रेल में या बस में मिनरल वाटर ले रहे हैं तो सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सुनकर हैरान होंगे कि वो वाटर मिनरल वाटर नहीं होता, बल्कि आपको चकमा देने के लिए और आपको धोखा देने के लिए इस तरह से दिखाया जाता है कि वो मिनरल वाटर बेच रहे हैं। इसमें बड़े से लेकर के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आज हम आपको ऐसा ही एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि स्टेशन पर पानी बेचने वाला एक युवा बच्चा रेलवे स्टेशन पर लगे पानी की टंकी से साधारण पानी भर रहा है और उसे बकायदा पानी की बोतलों में बंद कर रहा है तथा सील भी ऐसे लगता है जैसे सील भी लगा रहा हो। दरअसल होता क्या है कि आम तौर पर यात्रियों को जल्दी होती है और तुरंत पानी, वो गर्मी के कारण तुरंत पानी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गाड़ी जल्दी ही चल पड़ेगी। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उन बोतलों में मिनरल वाटर नहीं होता, बल्कि स्टेशन पर लगी हुई टैंकियों का पानी होता है, जो आपको 10 या 15 रुपए प्रति बोतल थमा दिया जाता है। आप स्वयं इस वीडियो में देखें और भविष्य के लिए सावधान हो जाएं। खैर दोस्तों, पानी ये भी अच्छा होता है, लेकिन आपको मिनरल वाटर की जगह पर जो पानी थमाया जाता है, जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं, वो मिनरल वाटर शायद नहीं होता, क्योंकि इसे धोखे से बोतलों में बंद किया जाता है। खैर, आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।